रामनगरी अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरा देश भगवान राम के रंग में रंगता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस के पास रामचरितमानस का स्टॉक खत्म हो गया है और देश भर में तेजी से बढ़ती मांग की आपूर्ति गीता प्रेस में नहीं हो पा रही है। गीता प्रेस में रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्री हनुमान चालीसा जैसी धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर की दुकानों पर इन पुस्तकों, विशेषता रामचरितमानस की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके चलते दुकानों पर स्टॉक खत्म हो चुके हैं। वहीं प्रिंटिंग प्रेस में भी दिन रात रामचरितमानस की प्रतियों को छापने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देश भर में रामचरितमानस की बढ़ती मांग और कम आपूर्ति के विषय में गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने जानकारी दी। जब से तारीख की घोषणा हुई है तब से हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया है पुस्तकों की आपूर्ति करने का। हमारी सारी ब्रांचों से भी यही बातें आ रही हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग रामचरितमानस को, हनुमान चालीसा को, सुंदरकांड को बड़ी पैमाने पर पाठ कराने के लिए बांटना भी चाह रहे हैं। अब हम पिछले साल उस साल की तुलना करें तो पिछले साल लगभग 75,000 पुस्तकें औसत में हम छाप करके दे देते थे तो लगभग पूर्ति हो जाती थी। हालांकि सभी पुस्तकों की आपूर्ति तो मैं पिछले कई वर्षों से नहीं कर पा रहा हूँ, स्थान हमारे पास बहुत कम है जिसकी वजह से हम पुस्तकें छाप के बना के नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष से और अभी अगर देखा जाए तो मांग में अचानक बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब हम तो इतनी तैयारी तो हमारे पास है नहीं कि मैं अचानक 2,00,000-4,00,000 रामचरितमानस छाप के दे दूं, लेकिन पिछले दिनों से लगभग 1,00,000 प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत जगह मुझे विनम्रता के साथ ये अनुरोध करना पड़ता है कि भाई हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास स्टॉक नहीं है। अभी जयपुर से 50,000 प्रतियों की मांग हमारे पास आई थी रामचरितमानस, जो मूल पाठ की है गुटका आकार में, हमने विनम्रता के साथ उसको देने में असमर्थता जाहिर कर दी। भागलपुर से अभी एक दिन टेलीफोन आया था कि हमको 10,000 प्रतियां चाहिए, तो हमने सोचा कि पता कर लेते हैं कि हो सकता है हमारे पटना ब्रांच में कुछ हो। तो पटना ब्रांच पर यहाँ से टेलीफोन किया गया तो पता लगा कि भागलपुर की टीम पटना में बैठी हुई है रामचरितमानस के लिए, लेकिन यहाँ भी प्रतियां नहीं हैं। तो इस तरह से पूरे देश से मांग आ रही है, पूरे हमारे बुकसेलरों पर भी दबाव है, हमारी ब्रांचों पर भी दबाव है, हमारे ऊपर भी दबाव है। गीता प्रेस अब सोचिए कि स्थापना काल से 95 करोड़ पुस्तकें का प्रकाशन कर चुका है। रामचरितमानस की अगर हम संख्या देखें तो 1938 से प्रकाशन रामचरितमानस का हो रहा है। सबसे पहले मानसांग प्रकाशित हुआ था, फिर 1939 में रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। 3,70,00,000 से अधिक प्रतियां हम रामचरितमानस की छाप चुके हैं और अभी तो ये लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को हो जा रही है, इसके बाद जब भीड़ चलेगी तो हमारे ऊपर पुस्तकों का दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि लोग जब आएंगे तो ये सोचेंगे कि एक रामचरितमानस हम प्रसाद रूप में अपने घर पे लेके जाएं। तो उस समय क्या स्थिति हमारी बनेगी, जो स्थान हमारे पास है इस स्थान में हम कितनी आपूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि केवल एक रामचरितमानस, एक सुंदरकांड या हनुमान चालीसा ही हम नहीं छाप रहे हैं, हम 15 भाषा में छाप रहे हैं, 1,800 की पुस्तकें छाप रहे हैं, 2,500 बुकसेलर हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन जो पुस्तक विक्रेता हैं उनकी मांग को भी हमको देखना है, क्योंकि उसी के आधार पर उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो हमको उनको भी देखना है। इस कारण से हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि हम मांगों के अनुरूप आपूर्ति कैसे करें।